पहचान गई है भैया को। निकल गई जी, बाय कर दो मम्मा से, बाय कर दो, बाय टाटा, बाय कर दो, बाय। नहीं मम्मा पे भी जाना है। सो गाइस अभी आज है मंडे, मैं तो नहा धोआ चुकी हूँ। नहा धोआ के मैंने आज ये चुंदरी वाली साड़ी पहनी है, हो सके तो मिरर में दिखा दूंगी। अभी बाल बनाना है, बाल सोच रही हूँ जूड़ा ही बना लूँ कुछ अच्छा सा, और पूजा करने जाना है मुझे। मतलब पहले अपने मंदिर में करूँगी, फिर देखती हूँ अगर हो पाए तो मंदिर जा पाऊँगी, क्योंकि आज मेरे दो भाई आ चुके हैं। मतलब कि आप लोगों ने बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा ही होगा। चलो जब उनसे मिलवाऊँगी तब मिलवाऊँगी। फिलहाल अभी जाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, फिर खाना पीना बनाना है, क्योंकि जस्ट सुबह सुबह वो लोग आए थे, 6 पे 6 के पहले ही आ गए थे, तो हलवा बना के दे दिया था बेसन का, क्योंकि मीठा देना चाहिए, और उस टाइम ब्रश वगैरह नहीं किया था तो बिस्किट विस्किट कुछ चाय वाय नहीं पीते वो लोग, क्योंकि दोनों ही बैचलर हैं, तो इसीलिए हलवा जस्ट बना के दिया था, और हलवा उन लोगों ने खा पी के सो गए। वो लोग बोले कि दीदी आप सो जाओ, क्योंकि अभी हम लोग सोएंगे। और लड्डू भी आज स्कूल नहीं गया, क्योंकि थोड़ा बहुत कफ कोल्ड उसको हो चुका है। यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब कि यहाँ फ़ैन देख सकते हैं बंद है, बट सब लोग यहाँ कंबल ओढ़ के ही सोए हैं, आद्या को छोड़ के, क्योंकि आद्या उड़ती नहीं है, बट उसको भी कोल्ड है। और दूसरे रूम में तो ज़्यादा मोटा कंबल ओढ़ा है उन लोगों ने, अभी हम लोग भी एक कंबल उतार लेंगे। फिलहाल मैं रेडी हो जाती हूँ फटाफट से, जल्दी से, कैमरा नहीं पता कहाँ पर स्टैंड कराऊँगी, बट जल्दी से रेडी होती हूँ तो कुछ तो कर ही लेंगे। बड़ी के पापा ने मुझे लिपस्टिक की तरह कहीं रखी थी, तभी निकालती हूँ। लड्डू लड्डू मेरा लिपस्टिक कल इधर रख दिए थे आप। लड्डू गाइस देख लीजिए, खेलने का भी नाम नहीं ले रहे। लड्डू यहाँ मेरा लड्डू यहाँ मेरा लिपस्टिक था। लड्डू छोड़ दो। और अरे सब मेरे प्रोडक्ट वापस हो गए। जल्दी से कर लेती हूँ जो भी कुछ करना है। सबसे पहले सनस्क्रीन लगा लूँगी। और पता है क्या, ये मेरा डेली का मेकअप नहीं है, मैं डेली ऐसे मेकअप नहीं करती हूँ, मैं बस सनस्क्रीन लगाती हूँ, बिंदी लिपस्टिक लगाती हूँ, मेरा काम ख़त्म होता है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यार जल्दी झटपट करो, आज भी मैं रेडी हो रही थी तो मुझे लगता जल्दी झटपट करो, और वीडियो जो है ना वो ज़्यादा लंबा नहीं है, और इसमें कट भी शायद कम ही होगा। मैंने वन गो में 4 मिनट का शूट कर लिया था, जो मैंने मेजर मेकअप किया था। लड्डू के पापा उठ गए थे, वो कुछ बोल रहे थे तो मैं सुन रही थी, यहाँ कान में मेरे को दर्द हो रहा था तो इसलिए मेरे फेस का एक्सप्रेशन ऐसे। सनस्क्रीन को मैं पूरा अच्छे से अब्जॉर्व होने देती हूँ, और वैसे तो मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा करके, टोनर लगा के, मॉइस्चराइज़र लगा के सनस्क्रीन लगा सकते हो, लेकिन मैं नॉर्मली सनस्क्रीन ही लगाई थी। उसके बाद से मैंने अपनी क्रीम को लिया और लगाया, और ये जो मेरा क्रीम है ना, मतलब NYB का है, और ये इतना सॉफ्ट है, वाटर जैसा एकदम, तो इसीलिए, और ये थोड़ा फाउंडेशन वाला लुक भी देता है, पूरा फाउंडेशन नहीं बोल सकते आप इसको, तो मेरे को लगा कि ये थोड़ा बीबी क्रीम टाइप का, लेकिन ये बहुत ही पतला, बहुत ही पतला था, कि इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था कि स्पैचुला से वो जो करके फाउंडेशन लगाते हैं ना वैसे टाइप का, तो ये बहुत ही अच्छा सा है। आप देख सकते हो हाथ से ही कितने इजीली ये मिक्स हो रहा है, सूखता बिल्कुल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटरी वैसा है, तो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। बाकी मैंने रेड कलर की साड़ी पहन ली थी, बिकॉज मुझे पहनना तो ग्रीन ही था, बट रेड इसलिए पहनी थी ना क्योंकि जिस रूम में मेरी साड़ी थी ना उसमें मेरे भाई लोग सोए थे, तो इसीलिए मैं पहन नहीं सकती थी वो, तो मैं सोची कि तुरंत गए हैं सोने, सब लोग एक्चुअली हलवा वगैरह खा के सो गए, तो मैं सोची कि नहा ही लेती हूँ क्योंकि अब मैं कुछ कर नहीं सकती,
यहाँ लड्डू के पापा उठ गए थे तो मेरे से बात कर रहे थे कुछ कुछ। उनको जाना था अपने बाइक को सर्विसिंग के लिए देने, तो मुझे पूछ रहे थे कि तुम भी चलोगी क्या, तो मैं बोल रही थी कि हाँ मैं भी चलू। नहीं, उन्होंने बस बोला कि मैं जा रहा हूँ बाइक दे के आऊँगा, तो मैंने बोला कि आप कार और बाइक से हम लोग चलते हैं, मैं स्कूटी से चल लूँगी या फिर कार से, और वहाँ से हम लोग फिर एक साथ आ जाएंगे कार से। तो यहाँ मैं बस कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ। वैसे यहाँ पे बता दूँ कि ठंडा मौसम है, तो जिस वजह से हम लोगों को उतना मेकअप करो भी तो मतलब हो जाएगा, नहीं भी करो कॉम्पैक्ट लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेकअप पूरा वैसे ही रह रहा है, फिक्स ही रहेगा, क्योंकि गर्मी में ना मेकअप बहने लगता है, बट ऐसे बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स इट। उसके बाद से मैंने सोचा कि चलो अपना आईब्रो फिलअप किया जाए, बिकॉज आप सभी लोगों को ऐसा होता है कि मतलब कर लो, और मैं सोचती हूँ साड़ी वाड़ी पहनो तो मैं भी कर ही लूँ, और आईब्रो फिलअप करने के बाद ना एक अलग ही लुक आ जाता है। कुछ करो ना करो, आईब्रो फिलअप करो, लिपस्टिक बिंदी लगा लो ना, तो वो खुद ही दिखने लगता है कि हाँ कुछ तो किया है। तो यहाँ पर मैं बस आईब्रो को फिलअप की एंड देन उसके बाद से ब्रश किया थोड़ा सा, उसमें ही जो आगे का जो ब्रश था। यहाँ लड्डू के पापा से मैं बात कर रही थी, और मतलब कि मैंने सोचा कि चलो मेकअप वाला वीडियो शूट कर लेती हूँ, मेकअप का नहीं, मैंने सोचा जो भी कर रही हूँ उसका वीडियो शूट कर लूँ फिर, वरना कंटेंट बचता ही क्या है, मतलब कुछ भी नहीं। और आप लोग मतलब देखना चाहते भी हो तो यहाँ पे बिंदी मैंने लगाया, और मैंने पहले ये रेड बिंदी लगाई, आप मेरे हाथ पे ब्लू बिंदी देख सकते हैं क्योंकि मेरा नाइट ड्रेस ब्लू कलर का था, तो ब्लू ही पहन लिया था मैंने। और ये लिपस्टिक इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, ये लिपस्टिक मैं बहुत ढूंढ रही थी, नहीं मिला, लेकिन जो पैर वाला पोर्शन था ना गद्दे का, वहाँ मिल गया मुझे। तो यहाँ मैं बात कर रही थी, और बात करते करते लिपस्टिक लग नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियसली आपके माउथ को चुप रखना पड़ेगा। और ये लिपस्टिक इतना प्यारा है, ये शुगर का लिपस्टिक है जो कि बहुत ही अच्छा और मतलब एकदम स्टेबल है, ऐसा नहीं है कि आप बात करोगे तो उड़ जाएगा। क्योंकि कल का अगर आपने ब्लॉग देखा होगा तो मैं सुबह लगा के गई थी और लिपस्टिक घर पे ही छोड़ के गई थी, और दिन भर वो वैसे ही था रात तक। रात में मैंने आके फेस वॉश किया था और उसके बाद स्किन केयर किया था थोड़ा सा, तो वो नाइट क्रीम वगैरह मैंने लगाया था। यहाँ पे मैं सोच रही थी यार मैं बाल का क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन लड्डू के पापा को बहुत ज़्यादा जल्दी था कि चलो चलो। तब तक क्या हुआ ना, जैसे ही मैं बाल वाल अपना ठीक करने लगी, मैं जैसे ही रेडी हो गई ना ऑलमोस्ट वन शॉट में, तो फिर उसके बाद से आद्या उठ गई। आद्या उठ गई तो लड्डू के पापा ने बोला एक काम करो तुम बैठो उसको देखो। मेरे बाग में सिंदूर है बट बहुत थोड़ा सा है, मतलब छोटू सा था, तो आज मैंने सोचा कि नहीं भर लेती हूँ, और मेरे को ड्राई सिंदूर लगाना था। मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी मेरे को मरून सिंदूर मतलब चाहिए था, तो मांग के लाई थी, तो मम्मी ने मेरे को ये दिया था, बट ये रेड सिंदूर है। अब मैं एक दिन जा करके मरून सिंदूर लाऊंगी, लेकिन हाँ ये आ गया था तो मैंने आज पहले दिन ये कर लिया था। और हाँ ये जो चूड़ी उड़ी भी है ना, इसमें मतलब कभी बोलते ना नया नया पहनो, तो ये मैंने सावन के लिए ही स्पेशली मंगाया था इंस्टाग्राम के एक पेज से, पुण्या चूड़ा कलेक्शन से, जो कि बहुत ही अच्छा चूड़ा का क्वालिटी है। तो बस मैंने इसको पहन लिया, और सिंदूर भी मैंने नए से ही करके लगाया। मेहंदी मुझे लगाना है लेकिन बच्चों के साथ आप लोग को मालूम है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मुझे वो दूसरे वाला मेहंदी लगवाना पड़ेगा, मतलब कि वो चाइनीज़ टाइप वाला, लेकिन देखते हैं अभी कुछ वो नहीं है, बस हाथ हाथ पे भी लगा के सो जाऊंगी तो हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी ठंड है तो सूखने में भी मेहंदी टाइम लगेगा। बाकी यहाँ सोच रही थी बाल का क्या किया जाए, पहले देख रही थी, लेकिन लड्डू के पापा को थोड़ा सा जल्दी था तो मैं बात कर रही थी, और उसके बाद से सोची कि छोड़ो यार पोनी ही कर लेती हूँ। गाइस यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ और लड्डू के पापा वेट कर रहे थे मेरा। मेरे को लगता है यहाँ से बाल निकाल लेना चाहिए क्योंकि यहाँ से सारे बाल जा चुके हैं, यानी कि आद्या हुई है इसलिए, और जब भी बच्चे बोलते हैं तो बाल जाते हैं। फिर लड्डू के टाइम भी गए थे, यहाँ मेरा सिंदूर एकदम रेड रेड दिख रहा है। मैं सोची थी जुड़ा कर लेती जल्दी जल्दी है पोनी की, लड्डू के पापा अब चलेगा क्योंकि आद्या उठ गई। बाकी हरी चूड़ियाँ मेरी कैसी लग रही हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आद्या उठाने की कोशिश, तो अब मैंने कर लिया है। अरे यार मेरे ब्लाउज के पीछे ना बटन टाइप का स्टाइल है, तो यहाँ पे चोटी गुथ कर लिया मैंने क्योंकि मुझे लगा गुथ ज़्यादा बेटर है। और ये मैंने मुझे इंस्टाग्राम के एक पेज ड्रीम्स ज्वेलरी से रिसीव हुई है, तो अभी इसको ही पहन लिया है। और
पूजा कर लेती हूँ सबसे पहले, उसके बाद से खाना भी बैठाते हैं, या फिर एक तरफ दाल चावल बैठा देती हूँ और उसके बाद से खाना बनते रहेगा, तब तक मैं पूजा भी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पहले अपने कैमरे को कर लिया फिक्स, और मेरे पास है दो कुकर, एक ये कुकर और एक और कुकर। ये जो कुकर है ना, इसमें बहुत जल्दी खाना बनता है, मतलब कुकर में बहुत जल्दी दाल वाल बन जाता है, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें बना देती हूँ, और रेड वाले में ना चावल बैठाऊँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मेरे को दाल बनाना है, फिर मेरे को ऑनियन भी बॉयल करना था, लेकिन फिर मैंने बोला कि मैं यहाँ पे खड़े होकर कन्फ्यूज़ हो गई थी कि यार करूँ क्या मैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने क्या किया ना कि एक में मैंने दाल बैठा दिया ताकि उसमें खिचड़ी टाइप का भी बन जाएगा मेरे बच्चों के लिए, और खड़े होकर सोच ही रही थी कि क्या ऐसा करूँ कि जल्दी से फटाफट बने। दाल निकाला, दाल को बैठाया एक कुकर में जो जल्दी जल्दी बनता है, उसके बाद से। एंड गाइज, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है तो उसके लिए थैंक यू, और बहुत सारे सवाल भी हैं आप लोगों के, तो वो वक्त आने पर आप लोगों को बता दिया जाएगा। इस ब्लॉग को करते हैं।